थ्रेड पावर। आज मैं आपको बताऊंगी ये ब्यूटीफुल ईयरिंग कैसे क्रोशे करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या मटेरियल चाहिए हमें। सबसे पहले चाहिए नोज प्लायर, ये नीडल चाहिए, हुक चाहिए, जंप रिंग 4 mm के, कटर, क्रोशे हुक 1.50 mm का, और चाहिए हमें 10 नंबर क्रोशे थ्रेड, मेटेलिक शेड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिंग में हमें 16 डबल क्रोशे बनाने हैं, सेकंड रिंग में हमें 16 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, और थर्ड रिंग में हमें 12 जो है सिंगल स्टिच बनाने होंगे, सिंगल क्रोशे करना होगा 12 टाइम। तो इन तीनों में मैंने स्लाइडिंग रिंग का यूज़ किया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हमें स्लाइडिंग रिंग बनानी है। थ्रेड को फिंगर पे इस तरह से अपनी तरफ दो बार रैप करके, और ये जो नीचे का थ्रेड है इसको इस तरह से इस तरह इसी में से निकाल लेना है हमें। देखिए इस तरह से, और ये दोनों थ्रेड हमें इस तरह से पकड़ लेने हैं, और इसी में से हमें अब वर्क करना है। देखिए इसमें 3 चेन उठाने के बाद 15 और हमें डबल क्रोशे बनाने होंगे इस रिंग में। ये सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 15 और 16। अब ये जो थ्रेड है इसको खींच लेंगे, और फर्स्ट ये जो चेन के ऊपर चेन दिख रही है आपको, ये 3 चेन जो बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में से हमको स्लिप स्टिच देके इसे क्लोज कर लेना है। एक और चेन बनाकर हम इसको कट कर देंगे थ्रेड को। और पक्का कर देंगे। ये वाला जो थ्रेड है हमने काफी स्टिचेस में दिया हुआ है, इसको ऐसे ही काट लेंगे, और इस वाले थ्रेड को हम इस तरह से से बाकी के थ्रेड को नीडल में डाल के इसे हम सारे थ्रेड को इस तरह हाइड करते जाएंगे इस टेल को। कट कर देते हैं यहाँ से। देखिए ये फर्स्ट हमारा रिंग तैयार है। चलिए अब जल्दी से सेकंड रिंग बनाते हैं। इसी तरह स्लाइडिंग रिंग बनाएंगे हम, और फिर इसमें से 16 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से पहले 2 चेन ले लेंगे, एक, दो, ये फर्स्ट हमारा हाफ डबल क्रोशे माना जाएगा। अब नेक्स्ट 15 हमें हाफ डबल क्रोशे इसमें से बना लेने हैं। देखिए सेकंड हाफ डबल क्रोशे, थर्ड हाफ डबल क्रोशे, फोर्थ हाफ डबल क्रोशे,
फिफ्थ हाफ डबल क्रोशे सिक्स सेवन। देखिए इस तरह 16 हाफ डबल क्रोशे हमने इसमें बना लिए। अब ये जो थ्रेड है खींच लेंगे, रिंग को टाइट बना लेंगे। ये वाला थ्रेड देखिए, और ये जो फर्स्ट चेन यहाँ पे बनी हुई है, फर्स्ट टू चेन के ऊपर यहाँ से हम स्लिप स्टिच दे देंगे और इस रिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रिंग भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब बनाते हैं थर्ड रिंग। इस तरह से 12 सिंगल क्रोशे हमें बना लेने हैं। एक चेन ले लेते हैं एज ए फर्स्ट सिंगल क्रोशे और 10-11 मोर सिंगल क्रोशे इसमें हम बनाएंगे। ये टू हो गए, थ्री। देखिए इस तरह से 12 सिंगल क्रोशे इसमें बना लिए मैंने। इसे खींच लेंगे। देखिए ये लास्ट रिंग भी बना के तैयार कर ली है। और इस तरह से बैक साइड से भी हमें सारे थ्रेड सफाई से छुपा देने हैं। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थे 16 हमारे डबल क्रोशे, 16 हाफ डबल क्रोशे और 12 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे हम जंप रिंग जो है, इस तरह से हम जंप रिंग को ऐड कर देंगे इसमें। देखिए इस तरह से, ये मैंने पहले ही खोल के रखे हुए हैं। कोशिश करें कि जहाँ से हमने वर्क फिनिश किया है वहीं से हम जंप रिंग इस तरह से बंद कर दें। वहीं पे जंप रिंग डाल के हमें ये इस तरह से इसको एक और जंप रिंग इसमें हम ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से सेकंड जंप रिंग भी इसमें डाल लेंगे हम। ये फर्स्ट रिंग हमने लिया हुआ है डबल क्रोशे वाला, और इसमें हम ये हुक भी डाल देंगे। देखिए इस तरह से, ये फ्रंट पे आनी चाहिए, ये राइट साइड हमारी सर्कल की है और ये भी राइट साइड में आना चाहिए। यहाँ से हम इसको हुक में डाल के और ये रिंग कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रिंग जो है हमने इससे अटैच कर लिया है। एक रिंग हमने यहाँ डाला, एक और अटैच करके ये हुक उसने अटैच कर दी है। अब सेकंड जो सर्कल है ये डबल हाफ क्रोशे का, हाफ डबल क्रोशे का, इसे हमने, ये 16 डबल क्रोशे थे तो 8 डबल क्रोशे के बाद यहाँ पे हम ये वाला सर्कल अटैच करेंगे। चलिए देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे हमारा दूसरा सर्कल अटैच होगा। यहाँ पे जंप रिंग अटैच कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि हमने चेन की दोनों स्ट्रैंड्स उठाने हैं, दोनों स्ट्रैंड्स, और इसके साथ हम ये सर्कल जो है अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से दूसरा सर्कल भी हमने इसमें डाल लिया। अब इस जंप रिंग को अच्छे से क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए ये दो सर्कल हमने अटैच कर दिए हैं। अब थर्ड सर्कल जो है, ये भी 16 हाफ डबल क्रोशे थे तो यहाँ से एक साइड से हमें 8 हाफ डबल क्रोशे गिन के
वहाँ पे हमने अटैच कर देना है। चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यहाँ पे हमें अगला नेक्स्ट जो है सर्कल अटैच करना है। जगह बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी हमने टाइट क्रोशे किया होता है, तो यहाँ पे हमने ये रिंग डाल देना है इस तरह से, और इसके साथ ही ये रिंग भी हमें अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रिंग इसमें डाल दिया है, और अब इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा तीनों सर्कल जो है राइट साइड से अटैच हो गए हैं। देखिए इस तरह से हमने ये ब्यूटीफुल ईयरिंग तैयार कर लिए हैं। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।